जो एड्स के खर्चे हमने आम आदमी पार्टी ने जवाबदार किया तो उन्होंने बताया कि 8 करोड़ रुपए हम हर महीने एड्स में खर्च करते हैं। अब आप देखिए ना कि आप मैं चुनौती देता हूं दिल्ली सरकार को कि गत वर्षों में जो सरकारें रही हैं, मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को अपने अच्छे कामों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, विरोध के लिए विरोध करना हम नहीं मानते हैं। लेकिन गत सरकारों में आप साल के अंदर 10 करोड़ 12 करोड़ रुपया 15 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, लेकिन केवल साल भर का बजट आप अपनी व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लिए, अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, आपने कुछ किया नहीं इसको ग्लोरीफाई करने के लिए, आप महिलाओं के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए और केंद्र सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, दिल्ली पुलिस को एक कटघरे में खड़ा करने के लिए आप इस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पैसा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लग सकते थे, इस पैसे से स्कूल कॉलेज खुल सकते थे, इस पैसे से वृद्धों को, गरीबों को जो पेंशन आपने रुकी वो पेंशन मिल सकती थी, इस पैसे से दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो सकता था। यानी 8 करोड़ रुपया अभी आप खर्च कर रहे हैं, आप करोड़ों रुपया आप टीवी एड में दे रहे हैं, करोड़ों रुपया आप एफएम एड पर दे रहे हैं, करोड़ों रुपया आप दिल्ली की जनता समझे बॉम्बे, पटना, कैलकाटा, बेंगलोर फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट लाखों रुपए के, ये दिल्ली की जनता के पैसे की गाड़ी कमाई को आप केवल अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये 526 करोड़ का जवाब दिल्ली की जनता को, ये बहुत बड़ा पैसा है जो दिल्ली के विकास का पैसा जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका जवाब आपको निश्चित रूप से देना होगा।